करके ले गए दिल। हेलो गाइस, आज की स्टूडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ इस तरह की रील्स एडिटिंग जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा। तो गाइस, ये वाला रील अभी इंस्टाग्राम में बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। आप लोग भी कुछ इस तरह की रील्स क्रिएट करना चाहते हैं और इंस्टाग्राम में अपलोड करके व्यू लाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस, चलते हैं आज की इस नई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, उसके लिए आपको सबसे पहले प्रीक्वेल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो गाइस, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, ओपन हो जाने के बाद हमें यहाँ प्लस के आइकन में चले जाना है और हमें वीडियो ऐड कर लेना है जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, वीडियो ऐड हो जाने के बाद हमें यहाँ सर्च के ऑप्शन में चले जाना है। ये वाला फिल्टर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से सर्च कर लेना। तो गाइस, ये वाला फिल्टर हमारे वीडियो में अप्लाई हो गया है। गाइस, इस फिल्टर को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं तो मैं इसको फुल यूज़ कर लेता हूँ। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाकर वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। गाइस, उसके बाद हमें सेव वीडियो पे क्लिक कर देना है। तो यह हमारा वीडियो गैलरी में सेव हो गया है। तो गाइस, उसके बाद हमें यहाँ से बैक हो जाना है। तो गाइस, उसके बाद हमें फेक ट्वीट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो ये भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है तो आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हमें क्रिएट ट्वीट में चले जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और फाइल्स में जाके हमें जिस फ़ोटो का हम डीपी लगाना चाहते हैं हमें इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ क्रॉप के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यह हमारा डीपी ऐड हो गया है गाइस। तो गाइस, उसके बाद हमें यहाँ नेम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपना नाम डाल देना है जिस नाम से हम फेक ट्वीट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से विनय एडिटिंग यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ डन के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यूज़र नेम में चले जाना है और यहाँ पर अपना यूज़र नेम डाल देना है जिसका आप यूज़र नेम डालना चाहो। तो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम का यूज़र नेम डाल देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, उसके बाद हमें यहाँ पे लिख देते हैं। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, हमें यहाँ पे जाके इसको सेव कर लेना है। गाइस, उसके बाद हमें गैलरी में चले जाना है, यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में चले जाना है और इसको हमें यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, हमें VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और हमें प्लस के आइकन में चले जाना है और न्यू प्रोजेक्ट में जाके हमें वीडियो को ऐड कर लेना है जिसको हम प्रीक्वेल एप्लीकेशन में एडिट किए हैं। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें टैप टू ऐड स्टिकर में चले जाना है और वीडियो फ़ोटो पे क्लिक कर देना है और फ़ोटो के ऑप्शन में जाके हमें फेक ट्वीट जो हम क्रिएट किए हैं हमें इसको यहाँ से ऐड कर लेना है। तो गाइस, ऐड हो जाने के बाद इसको हमें थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है और इसको हमें वीडियो के थोड़ा नीचे साइड इसको लगा देना है। तो गाइस, उसके बाद हमें यहाँ ब्लेंडिंग मोड में चले जाना है और इसको हमें यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, उसके बाद हमें टैप टू ऐड म्यूजिक में चले जाना है और म्यूजिक के ऑप्शन में जाके एक म्यूजिक ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैं इस म्यूजिक का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो गाइस, उसके बाद हमें यहाँ फेक ट्वीट वाले फ़ोटो का लेंथ को हमें वीडियो की लेंथ के हिसाब से रखना है। तो मैं इसको वीडियो के लेंथ के हिसाब से इसको रख लेता हूँ। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद हमें वीडियो के जो एंडिंग पार्ट में जो ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा पार्ट, इसको हमें यहाँ डिलीट के ऑप्शन में जाके इसको डिलीट कर लेना है।
तो गाइस इतना हो जाने के बाद इस वीडियो में ऑलरेडी म्यूजिक लगा हुआ है, तो इसके म्यूजिक को हमें म्यूट करना है। तो हमें यहाँ वॉल्यूम के ऑप्शन में चले जाना है और इसके वॉल्यूम को हमें यहाँ से जीरो कर लेना है। तो गाइस इस वीडियो का वॉल्यूम हट गया है, अभी हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो गया है। गाइस इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस वीडियो रेडी हो जाने के बाद हमें यहाँ एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाकर वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।